पारस्वामी को। तो चलिए सागर आपको आमंत्रित किया जाता है। जय मां सरस्वती बालिका हमारे सरदार की बड़ी मारी। और इससे पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सत्प्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सत्प्रभा, निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वथा, सर्वकार्येषु सीता। सागर आसन पर कीजिएगा, मानस के बैठना आपको।
श्री सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम परशवानी के जम्मू कौशल्य के तेज मित्र जैसे महातारी मन के श्री चरण माँ धर्म के धुरीला धारण करैया राजा दशरथ की समान जम्मू मुर्द दमन के श्री चरण माँ सती सावित्री अहल्या जैसे गांव की जम्मू मुर्बड़े बहने मन के श्री चरण माँ राम लक्ष्मण भय शत्रुघ्न जैसे गांव की जम्मू मुर्बड़े भैया मन के श्री चरण माँ अति वशिष्ठ वाल्मीकि की समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण माँ नन्हे नन्हे बाल गोपाल संगीय संगवारी मन के श्री चरण माँ मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन पुत्र भाषा माँ मोहिया संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण माँ नीर छीर विवेकी दुधला दूध और पानी ला पानी करैया नूर नायक बड़े भैया जी के श्री चरण माँ अब जम्मो झुम के श्री चरण माँ जय माँ सरस्वती बालिका मानस परिवार गाँव कुकड़ी जिला धनतरी के छोटे छोटे मेरा बोधर ज्ञानी लेकर मन की धर ले सादर प्रणाम है कहे जाते मन संगवारी हो अनमोल रत्नी मानुस्तन अनमोल रत्नी मानुस्तन बेकार नहीं न गवाना कुछ ऐसे करनी न हो चले फिर पाछे पड़े पछताना अब संगवारी हो आप लड़े की जठन एक पावन पवित्र श्री रामचरित मानस माँ कहो थे जिनिश में बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना करिश्ना तो में सात कांड के निर्माण करिस और सात कांड में से एक कांड है बाल कांड जिन कांडला ओ परमपिता परमात्मा राम के श्री चरण के जठे उही कांड माँ पर लेके चलथन कहो थे श्रोता पक्ता ज्ञान निधि कथा राम के मूल किम समझा मैं जीव जड़ तलमल गर्जित विमूल आज देखा वो शब्द आज देखो आज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी जो है आज रामचरित मानस की रचना करे है ना तो रामचरित मानस की रचना तो करे है लेकिन श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूल आज गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित मानस की तो रचना कर दे रचना करिश्ना तब होवे श्रोता और भक्ता रामचरित मानस में जो है चार घाट है और चार घाट में एक है कर्म घाट दूसरा है ज्ञान घाट तीसरा है भक्ति घाट और चौथा है समागम घाट आज श्रोता मतलब सुनने वाला जैसे कि आप मन मैं कहा था वक्ता और आप मन सुना था श्रोता उसने आज गोस्वामी तुलसीदास जी जो है श्रोता और वक्ता इन दोनों में जो है ज्ञानी तो मन है ज्ञान निधि आज ज्ञान के भंडार तो कहीं है श्रोता और वक्ता ला जो है कबर के जतरा वक्ता बता थे ना श्रोता ऊपर से जाता सुनते श्रोता जो है ध्यान लगा के मन में उही ब्रह्मपिता परमात्मा राम ने बताता बसाते लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अपना आप ला एक जीव के समान कि मैं एक परमपिता परमात्मा के गुण न कैसे गावा कबर की राम कथा है गुण राम कथा जो है एक बहुत ही परम पवित्र हरे लेकिन मैं तो एक साधारण से जीव हरा मैं कर महिमा की बखान कैसे कर सकूं कबर की कह जाते ना कि जिन परमपिता परमात्मा राम के संग में वो हजार मुखवाला शेषनाग जो है लक्ष्मण के रूप में रही वो परमपिता परमात्मा राम
ना तो गुरला निगा सके। माता सरस्वती जो रहे विधि की दिलैया हरे लेकिन ओ भगवान के गुणला निगा सके। इसने आज देखा चार प्रकार के श्रोता और चार प्रकार के वक्ता। प्रथम घाट कर्म घाट में आज देखा भरतराज जी मुनि रथे जिन सब लोग आनंद थे कि भगवान हरे को, लेकिन अपने आप ने झुका के ही याज्ञवल्क्य मुनि ले जो रहे चरण में पड़ जाते कि हे याज्ञवल्क्य मुनि जी, मैं उस परम परमात्मा राम के बारे में नहीं जाना, कौन हरे तेला ताप मन मुल्ला बता दे तो मन मन में यही भ्रम होवे कि काय ही राम हरे जिन राजा दशरथ के घर में जन्म ले के से और जिन अपर पिता के आज्ञा पालन करे पर 14 वर्ष के वनवास घिस काये वही राम हरे। आज भरतराज जो रहे याज्ञवल्क्य की न पूछते तो याज्ञवल्क्य जो रहे बक्ता हरे बताने वाला हरे और भरतराज जो है श्रोता हरे सुनने वाला हरे। कर्म घाट में याज्ञवल्क्य भरतराज उकर बाद में ज्ञान घाट में काकभूषणी और गरुड़ जी जो है गरुड़ जो है मोह हो गई मोह किसे दिखाओ रामचरितमानस में जो है मोह तीन छन न हुई। एक तो हुई अतिशय मोह, अतिशय मोह जो है माता सती न हुई जिन समय परमपिता परमात्मा शंकर जी जो है भगवान राम की कथा सुने कर जाते कुंभजरी से करा और कुंभजरी से करा जिस ना तब उस समय राम लक्ष्मण जो है माता सीता के खोज में जंगल जंगल भटकत रहा है और शंकर जी जो है गीस और राम के पांव पर गीस तो माता सतीला मन में भ्रम हो गया कि से मोह हो गए कि तीनों लोगों के सबसे प्रिय देवता जो है शंकर हरे और शंकर ला देखो आज लैका मन के पांव पर गीस तो लैका मन कौन हरे ऐसे का बात है लैका मन में जबकि सबसे बड़े शंकर हरे अभी लैका मन के पांव पर गीस। माता सती ने जो है अतिशय मोह हो गए अब अतिशय मोह जो है एक लाइलाज बीमारी कैंसर जैसे होते जेकर परिणाम केवल और केवल मृत्यु होते अंत में माता सती के जो है मृत्यु हुई। दूसरा मोह जो हुई नारदला हुई और नारदला हुई ना तब ये मोह जो है ऐसी मोह से ज्ञानता से अज्ञानता की ओर नारद जो है वैरागी हरे और वैरागी हरे ना तब विष्णु मोहिनी के संग में विवाह करे पर आज अगर सुंदरता में मोहा गई और ओला परमपिता परमात्मा जो है छनि जिन प्रकार से सर्दी खांसी बुखार होते ना और छन भर में डॉक्टर करा जाते तो दवाई पानी खाए से उनका इलाज संभव है। उसने आज नारद जो है मोह हुई और नारद के मोह जब हुई ना तब उनका इलाज वही परमपिता परमात्मा जो है उनका मोह न दूर करी। और तीसरा मोह गरुड़ ला हुई गरुड़ ला आज स्वजन मोह हुई से स्वजन माने परमपिता परमात्मा विष्णु जी ने हर समय उनके संग में रहा है लेकिन आज गरुड़ ला देखा आज जिन मेघनादी के द्वारा आज जिन सांप में बैठा गई से जब रावण लक्ष्मण हा तब देवता मन सोचते कि परमपिता परमात्मा तो जिन है सर्प में बैठा गए है तब बोला कैसे छोड़े जाए जब भी छोड़े कर जाते ना देवता मन हा तो सांप मन का करे दसे ल धरे तब ऐसे का उपाय करे कि परमपिता परमात्मा जो है आज सांप में बैठा है ना तो सर्प बंधन से मुक्त हो जाए। तब कथे गरुड़ ला बुलाया जाए और गरुड़ ला बुला के जिन सर्प में बंधा है ना उस सर्प से छोड़े जाए तब गरुड़ ला बुलाए से गरुड़ जो है छोड़े पर तो छोड़ दी लेकिन मन में यही शंका हो गई कि का ये यही भगवान हरे ये यही परमपिता परमात्मा विष्णु के अवतार हरे का जिन त्रेता युग में अवतार लेके आए अगर ये भगवान हरे तो इस सांप में कबर बंधा के छोड़ दी से किसी भगवान हरे का ऐसा मोह जो है गरुड़ ला हो और गरुड़ ला जब पहुंचता गरुड़ ही तीनों ने फिर कर रहा है कि मोर मोह ने पूरे दूर कर देती है नीचे ने मोह में पड़े हो और मोह से पूरे मोह छुटकारा दिला देती है ब्रह्मा लोक में गी शिव लोक में गी लेकिन सब जन उन्हें उत्तर दे इसके तय जा तोर जो है मोह दूर हो ही केवल सत्संग से सत्संग ही केवल एकर
निवारण है, एकर इलाज है सत्संग जो नहीं। आज गरुड़ जो रहे उही काग भी शुक्री करागी और उही सत्संग से आज गरुड़ के जो रहे मोह दूर हुए। ए दुखन के बाद में तीसरा जो ना घाट है भक्ति घाट। जेब भक्ति घाट में भगवान शंकर जो रहे माता पार्वती ला उपरमित परमात्मा राम की कथा बताते। और चौथा घाट में समागम घाट जैन घाट में आज स्वामी तुलसीदास जी जन है यही रामचरित मानस की रचना करे है। और रचना करे ना तब अपन आपला ऐसे झुका के कहा था कि किमि से मुझो में जीवन जड़ कलिमल ग्रसित दीबो मैं काय परमित परमात्मा के गुण न समझ सकूं कबर की मैं तो पूर्ण अंतपति हवा जिन एक कलयुग में जन्म लेके आए हवा। अब एक कलयुग रूपी जिन जड़ता है उचरता किसे दूर हो सकी। तो मैं तो एक प्रकार से श्रोता और वक्ता जो है आज चार घाट में चार श्रोता और चार वक्ता। आज समागम घाट में जो है वक्ता जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हरे श्रोता हम सब हरे। तो आज चार घाट के चार वक्ता चार रामचरितमानस ने बताई। और रामचरितमानस ने बताए के बाद बाबा तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस ने ऐसे कथे कि रामचरितमानस जो है इस संसार रूपी नदी का पार करे बर एक नौका के समान उपलब्ध आए। कहे जाते ना कि रामचरितमानस जो है एक कलयुग रूपी मानव भर एक नौका के समान उपलब्ध आए जिन्हें नौका में चढ़ के एक कलयुग रूपी मानव जो है जिन समुद्र रूपी भव सागर है ना वो कैसे पार हो सकते। यही बात ला आज विश्व में तुलसीदास जी जो है आज रचना तो कर ही रामचरितमानस में लेकिन जब तक के हम अपन अपने ऊपर नहीं अपना पियो कि रामचरितमानस जो है एक ऐसे दर्पण हरे जिन दर्पण में हमारे चरित्र के निर्माण होते। एक दर्पण तो रखे कांच की दर्पण जिन दर्पण में हमर सुंदरता देखे कि हम खुद का सुंदर हवन लेकिन रामचरितमानस जो है एक ऐसे दर्पण हरे जिन दर्पण में हमर चरित्र देखे कि हमर ला कैसे बनना चाहिए। अगर एक पिता ला बनना चाहिए राजा दशरथ जैसे होना चाहिए एक भाई और एक भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए राम और भरत जैसे होना चाहिए एक मित्र ला एक मित्र से जैसे होना चाहिए तो सुग्रीव और राम जैसे होना चाहिए। यही शिक्षा जो है आज रामचरितमानस जो है हम ला देते लेकिन आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की रचना तो करे है लेकिन एकर महिमा ला बताते कि रामचरितमानस जो है का हरे कैसे हरे और कौन प्रकार से एक कलयुग रूपी मानव जो है समुद्र रूपी भव सागर से पार हो सकते। ताबा आगे कथा प्रसंग में यात्रा करथन एक छोटे से भजन के पश्चात।
लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ही रामचरित मानस के महिमा ला बता थे कि रामचरित के महिमा जन है रामचरित की रचना तो करा थे लेकिन एक महिमा ला देखा रामचरित मानस जन है एक कलयुग के जो पाप के नाश कर लिया है रे जिन प्रकार से एक सर्प जो है एक मेढक लखा थे ना उसी प्रकार से रामचरित मानस जो है एक कलयुग रूपी मानव में जिन भ्रम रखे वो भ्रम ला दूर करते कबर भी देखा भक्त जो है चार प्रकार के होते और भक्त चार प्रकार के होते ना तब एक भक्त जो है तामसिक भक्त होते तामसिक भक्त कैसे देखा भगवान के मंदिर में तो जाते और भगवान के मंदिर में जाते ना हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हे परमपिता परमात्मा आप मन बोला जो भी दे हो मोर पर कम हावे और केवल सांसारिक वस्तु के मांग करते कि मोला जिन्हें मोर पास मनी है धन दौलत नहीं है मोला कहीं आना जाना है मोर कर घोड़ा नहीं है गाड़ी नहीं है धन दौलत बंगला नहीं है तो हे भगवान ते मोर पर अपनी कृपा कर दे कि मोर पर जितना भी सांसारिक वस्तु है ना ओला दे दे मोला ए जो है तामसिक भक्त होते दूसरा होते राजसिक भक्त जिन राजसिक भक्त में जब जाते ना मंदिर में भगवान करा तो मंदिर में जाते हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि हे परमपिता परमात्मा तय बोला सब कुछ देखा लेकिन दूसरा ने और से आगे का बर कर देखा सहा एक ईर्ष्या के भाव में रखे कि तय मोर से ज्यादा को ला देखा हमारा एक संग्रह पहले एक संग्रह खाए है बर लेकिन आज देख ओ मोर से ज्यादा कैसे बढ़ गए ओकर घर में ज्यादा धन दौलत आगे राजसिक भक्त की गुण तीसरा होते सात्विक भक्त सात्विक भक्त जो है भगवान के मंदिर में तो जाते प्रणाम करते कि हे भगवान मोला आप मन के सिवा कुछ नहीं चाहिए केवल आप ही मन मोर एक सहारा है और आप मन के सिवा ये दुनिया मा बनो नहीं है ऐसा कथे सात्विक भक्त जो है और चौथा होते निर्गुण भक्त जिन भक्त बोला नहीं रहा है वो भगवान के मंदिर में जाते दोनों हाथ ना ऊपर उठा देते कि हे परमपिता परमात्मा केवल आपे मन मोर एक क्षण सहारा है रहो काबर ये दुनिया में जो है तुम्हें साथ देने वाला नहीं है देखा जब आदमी जो है दुख में रहते ना तो वही भगवान ला याद करते और सुख में रहते ता भगवान ला याद करे तो बड़े दूर की बात है बोला पूछे घरों नहीं कि भगवान आज मैं मेरे सुख भी हो पर लेकिन जो सुख मैं सुमिरन करे सो दुख मैं जब सुमिरन कर ही आदमी जो रहे तो दुख का भर वो ही ते चार प्रकार के भक्त जो रहे होते कबर भी दुनिया जो रहे एक स्वार्थ की दुनिया है जेने स्वार्थ की दुनिया माँ जब थोड़ से मतलब रहे ना तो कहीं भैया एक काम लग कर दो टिका एक काम लग भीच कर दे और तेरे से काम बनिए लेकिन रामचरित मानस देखा दूसरे के लिए भलाई करे दूसरा अगर पढ़ के रामचरित मानस ने अपन जिंदगी में उतार ली ना तो आदमी जो है एक संत बन सत्य और संत बन ही ना तो केवल मोक्ष के ही दरवाजा खोलते ऐसे ने देखा ये दुनिया केवल स्वार्थी दुनिया है रे मतलब की दुनिया है रे कभी तो कहे जाते संगवारी हो ये दुनिया स्वार्थ के साथी मन की है बनाई दुनिया भगवान ही कनो जीव जंतु न देखा है का स्वर्ग का नरक लग दे अरे का स्वर्ग का नरक लग दे और जब मो मन के धरती में पतावे फिर वही दुनिया सारा के साथ ही कुल हो काम दिया है पुलिस हा चोर लग उतारे और मंच में लाके इनाम दिलावे अरे पुलिस हा चोर लग उतारे और मंच में लाके इनाम दिलावे जमाना हम बदल गई दीदी गदहारा होशियार बना गए फिर ये दुनिया स्वार्थ के साथ ही कुन हो कामिया गए तुलसी के निर्वाला उखाड़ के कथे ना दीदी कि तुलसी के पौधों में अगर रोज बिन पानी रुको बिना तो ला इलाज बीमारी जन कैंसर रखे ना वो दूर हो जाते लेकिन मन के आज का करते अपन स्वार्थ के कारण वो तुलसी के निर्वाला उखाड़ के
जगह वै मनखी लाता कहते दीदी देवता घरो तुलसी के बिरवा जगह वै फिर ए दुनिया सारा के साथी कम हो काम मिया वै आज देखा दुष्यंत तुलसीदास जी जो ने यही बात ला कि रामचरित मानस की महिमा जो ने कुल्ला का से का बना देते आज का समय तुलसीदास जी तो कुछ नहीं रही केवल एक कोरा कागज रही लेकिन जब मार मिली उकर पत्नी रत्नावली से और रत्नावली से जब मार मिली ना तब रामचरित मानस की रचना करी सब रामचरित मानस की रचना करी तब रामचरित मानस के आज महिमा की वर्णन कर रहे थे कि राम कथा बंदा की चित्रकूट चित चारो तुलसी सुभग सनेह बिन सीन घुवीर बिहारो कि रामचरित मानस जो है एक मंदाकिनी नदी की जैसे हरे जिन मंदाकिनी नदी चित्रकूट में बहते और चित्रकूट में बहते ना तब वही रामचरित मानस जो है एक मंदाकिनी नदी जैसे हरे तुलसी सुभग सनेह बिन सीन घुवीर बिहारो अगर देखा रामचरित मानस ओ गंगा नदी की जैसी पवित्र हरे जिन गंगा नदी चित्रकूट में बहते और चित्रकूट में बहते ना तब अगर देखा हमर शरीर ला ओ चित्रकूट जैसी बना ले था और चित्रकूट जैसी बना दो ना तब गंगा नदी जैसी पवित्र जो है राम कथा और राम कथा जो है तुलसी सुभग सनेह बिन अगर इस शरीर ला जो है एक नदी की जैसी बना लिया जाए तब राम कथा जो है राम कथा रूपी जो गंगा है हमारे ही शरीर रूपी जिन नदी में वही प्रवाहित होगी कबर भी तना और मन से जो है ये राम कथा मंदाकिनी जो है अगर शरीर में प्रवाहित होगी ना तो मन जो है पावन पवित्र हो जाए और रास्ता में भी केवल मोक्ष से कबर भी संत के जिन मार्गदर्शन रखना संत हर्ष गुण गोविंद अगर संत और हर्ष में अगर तुलना कर बिना तो संत ऐसे रहते जिन प्रकार से कोई मनुष्य अगर बुराई के रास्ते में चला था वे तो वो रास्ता में संत में इतना शक्ति रखे कि बुराई के रास्ते में अच्छाई के रास्ते में ला सकते जिन प्रकार से दूध और पानी ला एक करके मिला के दे बिना एक ठू बंजी की सन लोटा में तो हंस का करते और पानी में से पूरा दूध ला नहीं करते और पानी ला अलग कर देते कब्र की गुरु की पानी की गहराई और समुद्र के गहराई दोनों में फर्क होते अगर आदमी जो है गुरु पानी की गहराई ला अगर देखी ना तो घर सागर से उतर जाइए और समुद्र की गहराई ला देखे ना कि समुद्र कितना गहरा है कितना पानी है समुद्र में अगर प्रयास कर ही ना डूबे के तो आदमी जो है वो समुद्र गहराई में डूब जाइए लेकिन अगर यही गुरु वाणी की गहराई में अगर जाए ना कि गुरु वाणी में कितना शक्ति होते का होते ही करवाने माँ तब आदमी जो है सागर रूपी समुद्र से पार हो सकते और समुद्र से पार हो ही ना तो केवल वही परम पिता परमात्मा राम के दर्शन हो ही आज वही राम कथा के महिमा ला जो है आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है आज संत समाज में पहुंचे के प्रयास करते कि मैं रामचरित मानस की रचना करत हवा ऐसे रामचरित मानस की रचना जिन रचना से अगर एक घड़ी आ दो घड़ी दुनिया दो के आ तुलसी चर्चा राम के कटे ही कोटि अपराध हो जिन राम की कथा अगर मन के जुन है एक मिनट नहीं तो एक सेकंड और एक सेकंड नहीं तो कर आधा सेकंड भी अगर आप अपने जीवन में उतार सकते ना तो मन के जुन है कटे कोटि अपराध अगर कतरो अपराध करे रही ना वो अपराध जुन है सकते ही बादला आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरित मानस की महिमा बताते तावो आगे कथा प्रसन्न यात्रा करते हैं एक छोटे से भजन के पश्चात I'm sorry.
रखे ना तो पिंदरा रखे और एक जन मनखी की बाड़ी मजा थे
बाड़ी रा अतना उद्यान करते कि मनखे जो है परेशान हो जाते बेंद्रा से कि बेंद्रा जो है वो भी मोर बकरी मा आते और बकरी मा आके सब वो जतरा भी में साग भाजी बो रहे थे ना सबला उद्यान करके जाते तो कुछ ऐसे उपाय करो भी बेंद्रा पर कि बेंद्रा जो है मोला पकड़ा जाए और पकड़ा ना तो बेंद्रा ला में सबक सिखाते हो तो मनखे का करते दाई हो मनखे ए उपाय करी कि बेंद्रा अब आही ना तो एक बार मैं देखा कभी सेम फल देखा मैं हां कि बेंद्रा मोर जाल में फंसते कि नहीं फंसे तब करिसका एक ठन मटका रखीस और मटका रखीस ना तो मटका में चना ला डार दिस और चना ला डारिस ना तो मढ़ा दिस अपन बखरी में और मनखी जन है अपन भट धान हावे चुप के देखत थे कि बिंद्रा आही मोर जाल के फंसी की नहीं फंसे चना ला खाही की नहीं खाए अपना देखे पर वो आदमी जो नहीं झुका के वैस बिंद्रा जो नहीं ऐस देख के मटकी ला अरे मटकी तो एक होते नहीं रही लेकिन आज कैसे है देखी मटकी में चना है तब बिंद्रा जो नहीं चना ला निकाल के खी उसने अब मन को ना पता चल गए कि ये बिंद्रा तो खाते मने मोर खाना में फंस ही बिंद्रा जो नहीं एक दिन दो दिन तीन दिन बीतत गई अब वो समय आ गए ऐसे दिन आगे तादमी का करी जिन मटकी में चना लगा दी और मटकी के महिला एक कपड़ा में बांध दी और कपड़ा में बांध दी ना तब उन्हें जगह छोड़ी हाथ में भूख गई कि बिंद्रा जब आई तो मटकी में हाथ लगा रही चना ला निकाले बर लेकिन ऐसे तरकीब है कि बिंद्रा के हाथ निकले मत ऐसे उपाय करी से मन के जोन है ऐसे बिंद्रा ला ऐसे रोग इरादा पर जो रहे चना ला खाए के अब ऐसे देखी इसकी अरे इन मटकी में अंदर में चना है ऊपर में कपड़ा बांधा है तो करा का हाथ के घुसाए के भी तन जगह छूटे है तब बिंद्रा अपन हाथ ला घुसा दे और चना ला धरी और मुट्ठी ला निकालत रही कहां के लिए इस मुट्ठी तो फंस गए तब जगह केवल हाथ घुसाए के लिए इस मुट्ठी ला बांधिस ना तो चना ला धर दिस तो मुट्ठी जो ने भूल के नहीं वो पीले मन के आके डंडा धर के अरे आज मोर बाड़ी ला मोर प्यार मोर सतरा दिन ले आज मोर खाना ना फंसे लेकिन बेंद्रा ला देखा गायो बेंद्रा मन के ला देखा थे कि वो मोर मारे पर आथे लेकिन आज चना के लालच में चना के मोह में पड़ बने बेंद्रा जन है हाथ ला निकाले के प्रयास कर रहे लेकिन हाथ निकलते नहीं है बेंद्रा सोचा था कि मैं भाग हो कि मन में आज मोला मार कर ही लेकिन यदि चना के लालच है कि चना ला खाऊं छोड़ो नहीं अगर बेंद्रा सोचती ना कि मैं चना ला छोड़ देते और मोर प्राण बच जाती इसका वर हाथ को अपने के पुरपन बने रहे ना मटकी में खुसरे के पुरते तो बेंद्रा हाथ चना ला छोड़ते नहीं है अब यदि सोचते हैं कि मोर जान बच जाए और तू चना ला छोड़ देने कर रखे तब हो इसका इसने आदमी आज मोह माया में फंसे हवे कि मोर बेटाए मोर से संबंधी है रे मोर से ऐसे नहीं कर सके लेकिन बुद्धि का वही विश्वास भाग करके जेकर ऊपर भरोसा रखे ए दुनिया तो एक मोह की नगरी है रे जिन मोह की नगरी में आज देखा पाओ थे वही सुंदरता जिन सुंदरता दुनिया का मोह डरे हुए हर चीज में सुंदरता देखी जाते शादी में सुंदरता बर विवाह में सुंदरता अगर कुछ है मैं मगर मन एक जगह होगी ना दूसरी लड़की मन एक जगह खड़े होगी ना तो एक दूसरे ने देखी कि मोर से ज्यादा सुंदर तो नहीं है अगर वो लगी ना कि मोर से ज्यादा सुंदर है पहले तो ही कहा लगाए हंसरी हंसते हैं बड़ा सुंदर दिखता है का चीज की उपयोग करे है तब ते मोर ले किसी सुंदर हो गए एक दूसरे में कॉम्पिटिशन हो जाए कि अरे ये अगर सुंदर है ना मैं अगर से ज्यादा सुंदर दिखूं कब दुनिया आज सुंदरता में मोहाए है तभी तो कहे जाते मन तारी हो हाय रे माया सुंदरता पैका जादू डरे पैका जादू डरे तोर बिना नहीं हुए बर बिहार के काम अरे तोर बिना नहीं हुए और तेरे सती तो मन के हा हुआ थे बदनाम आज जमना भी खतरा घर थे ना केवल सुंदरता के कारण तो घर थे आज बोलो मन में मन के संग में हर दुराचार घर थे ना तो सुंदरता के कारण तो घर थे तो घर कथे तोर बिना नहीं हुए बर बिहार के काम और तेरे सती तो मन के हा हुआ
मथे बदनाम का लइका जिया का बुढ़वा जवान कोनो नहीं बचाए फिर भाई रे माया सुंदरता तै का जादू डारे तै का जादू डारे अपन मैया के रस न पिया के अपन मैया के रस न पिया के ओला तै रस डारे फिर भाई रे माया सुंदरता तै का जादू डारे तै का जादू डारे आज यही माया रूपी सुंदरता ले अगर कर जा रहा है ना तो रामचरितमानस केवल एक साधन है रे एक उपाय है रे जिन रामचरितमानस में अगर मन के अपने चरित्र ला अपने सुंदरता ला देखे ना तो वही ब्रह्म तत्व परमात्मा राम की छवि दिखे आज देखा बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस ना जब वो पाप के नाशक जब वो संताप जितना भी सोम रहते जितना भी दुख रहते ना हमारे जीवन में उतना की हरण करने वाला आज ये रामचरित ला बताया गए की कर बिना अगर मन की जिंदगी में दर्द को भी दुख हुए अगर रामचरितमानस के ओकर आधार बन गए ना तब मन के जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सके ऐसा ना आज परम पिता परमात्मा राम के गुण जो है एक प्रकार से बताया है कि आज विषय रूपी जिन सांप है जिन जहर है सांप के और आज मन के रूपी जिन शरीर में अगर फैल गए थे ना तो कर जिन संजीवनी बूटी है केवल ये रामचरित मानस हरे ऐसा आज बाबा तुलसीदास जी जो है यही रामचरितमानस की महिमा बताते बाबा आगे कथा प्रश्न मैं यात्रा कर दू एक छोटे से भजन के पश्चात सब कुछ हर है अवेदी की
भोजन अगर आवे तो चलाओ, मैं जब तक के लिए कहना तब तक हाथ नीचे नहीं करना है, चलो तो उठा रहा हूं। सबसे पहले तो परमात्मा राम के नाम के जोरदार जयकारा लगाना है, चुपचाप नहीं रहना भाई। जब तक के भजन चल रही तो भजन में हाथ उठा के ताली की संगति करना है। तावा ज्यादा धन कबर मिल गए, कबर जे हिरसिया है अपन से
ककरो हसी लगे के अगर ते दुख होवे ओ ककरो दुख लगे के अगर ते हसबे ना त ओहरे ईर्ष्या बिन कपट ईर्ष्या जल है। आज मन खेला एक कुमार की ओर लेके चलते थे, एक बुराई की ओर लेके चलते, भाई भाई में झगड़ा तब होते, एक रिश्ते तो होते कि भाई एला अगर ज्यादा घर में रहते तो मुल्ला कम कबर मिलते। आज अगर रामचंद्र जी चाहते ना तो ओले तो पूरा अयोध्या के राज महल में रहते, लेकिन राम ऐसे नहीं सोचे इसका पर वो तो परम परमात्मा के अवतार हो वो कर्म में जो है एक धैर्य रूपी भी इसका पर कहे जाते ना धैर्य करो आगे बढ़ो उम्र हो सबका और उसी दिन फलते नहीं जिस दिन बोते आग। अगर तुम्हें छोटे से आम के पौधा ला आज लगा भी ना बखरी में ओ पौधा लगा दे कि सुन ले मैं तुला इतना पानी भी दूँ कि ते मुला दूँ चार दिन में फल के दिखा। आम के पौधा का कहीं काय कथस रहते हैं मैं उही दिन फल हूँ जेने दिन वर समय वही। अगर तुला आम के फल लगाना है ना तो ओ दिन पर तुला धर्म धारण करने लगी। ऐसा आज मैंने कि जीवन में अगर धैर्य के अगर धृढ़ता नहीं है ना तो कोई काम के लिए कबर अगर मैंने खेला सबसे ज्यादा अगर प्रिय बंदा है ना तो सबसे ज्यादा आप सब को कहना चाहिए कबर के अगर कभी ना कि मैं एक काम करे हो और नहीं कर सकता एक काम ला तब मनखे की जिंदगी में अहंकार उत्पन्न न होते। अब अहंकार उत्पन्न होते ना तो वही अहंकार मनखेला आज नरक से स्वर्ग से नरक लेके चल दे। और आज अगर उन्हीं नरक में अगर उबर रहा है ना तो रामचरित मानस की महिमा ना देखा कि रामचरित मानस में जो है एक समानता के भाव रही। चार भाई रही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लेकिन चारों में समानता रही चारों में एक रूप में रही संगठन रही। कबर भी अगर जीव मरत के चार भाई है ना तो चारों भाई में कभी भी बंटवारा नहीं हुई। आज माता पिता ने देखा राजा दशरथ और कौशल्या ने देखा कि कुर प्रकार से अपन बेटा मन के लालन पालन करी। आज राम को भी 14 वर्ष पिता के आज्ञा पालन करे पर लेकिन आज भी अगर बेटा ना कभी ना कि सुन बेटा मैं तो 14 वर्ष के बनवास देखा 14 वर्ष के बनवास निकल जा तो बेटा का कही का कथा सुनता राजा दशरथ रहा हमन रो राम को हरन जिन राम पिता के आज्ञा पालन करे पर 14 वर्ष के बनवास देही हमन तो ओ राम हरन जी घर में रहो हो सकना तो ते 14 वर्ष के बनवास जा। ऐसा ना जब पिताजी ने कह दी कथना कि बुढ़ापा में जिन योगी अगर के लाता ना तो बचपन से जिन संस्कार दे रखे ले चला ओ संस्कार योगी देखे ओ संस्कार जो है माता पिताला जिन बुढ़ापा में साथ देखे अगर जीवन के जो है चार अवस्था रखे चार अवस्था में पहला अवस्था जो है बाल्यावस्था रखे जब लड़का छोटे रखे बाल्यावस्था के बाद में युवावस्था रखे जब बड़े हो जाते सोचे समझे के शक्ति रखे उकर बाद में प्रौढ़ावस्था का थोड़ा देर भाई मोला 40 साल में है मोला नान नान अक्षर काल लिखा है दिखत नहीं है और रखे प्रौढ़ावस्था अब एक रखे बुढ़ापा जिन बुढ़ापा में वो बुद्धि जो है लेका बुद्धि हो जाते वो कथे ना कि बाल्यावस्था में तो सुख रखे शांति रखे लेकिन पैसा नहीं रहा है। और जैसे ही युवावस्था में जाते ना तो युवावस्था में जैसे ही प्रवेश कर दे तो कर बड़ा सुख रही शांति रही लेकिन समय नहीं रहा है काम न करे के। और प्रौढ़ावस्था में जाते ना तो कर बड़ा सुख रही पैसा रही लेकिन शांति नहीं रहा है कबर तो जीवन में का कारण कैसे करण रहती जान कला खान हो जाते ओकर बर बुढ़ापा में सब कुछ रही कर सुख रही शांति रही पैसा रही लेकिन समय की कमी रही और शांति की कमी रही कबर मन में चिड़चिड़ाहट हो जाते लेकिन मन जब निरंतर बात और कभी ना तो लेकिन मन चिड़चिड़ा जाते उसने जब बुढ़ापा अवस्था आती ना तब उही चिड़चिड़ा पर जन्म आ जाते लेकिन अगर बचपन से जिन लेकर में संस्कार डाले रहे ना कि बेटा काम करो फिर से बुरा काम है रे और तेजे काम आ रहे थे उस ही काम है रे तो बुरा काम आ छोड़ और भला काम लगा ये अगर बात ना लेकर सिखा रहे
बात करना चाहिए, यही संस्कार मिले रखे। वही बात आज रामचरित मानस में जो है विषय में सीधा राजन है, यही रामचरित मानस में बताता दे कि जितना भी धन दौलत अगर आदमी ना कमाए की इच्छा रखे ना, तो यही रामचरित मानस के माध्यम से कर सकते। यही शांति जो है रामचरित मानस दिलाते, वही पुण्य जन है रामचरित मानस के माध्यम से मिलते। आगे कथा प्रसन्न यात्रा करते हैं एक छोटे से भजन के पश्चात। Thank you.
दादा जी जो ये इन्हीं समागम घाट में बता है ना कि श्रोता और वक्ता जो नहीं कौन प्रकार से ज्ञान रूपी जिन दीपक है वो मिल ही सकते उसने आज अगर राम नाम की महिमा ला एक क्षण भी अपने जीवन में अगर धारण करना तो मन ठीक बन जो नहीं एक प्रभु परमात्मा राम ने जाके जब आत्मा और परमात्मा जो नहीं मिले जही ना तब उही मोक्ष के प्राप्त हुए थे ऐसा आज दादा कक्षा में कुछ बात जो नहीं अपने आप ला रामचरित मानस की रचना तो करे है लेकिन विनम्र स्वभाव से कि मैं एकर महिमा की का बखान कर सकूं मैं तो एक ऐसे एक मंद बुद्धि हरा जिकर पास में न तो ज्ञान है न ही भक्ति है लेकिन केवल एक परम परमात्मा राम के जिन राम नाम रूपी जिन महिमा है वो महिमा न बखान कर रहा तावो पीला प्रभु के संकेत मिलत है कि कुछ क्षण पश्चात अपन से सादर विदाई का बोध बोले रतन स्वर रामचंद्र की जय
बैठे टीचर ने के माता पिता मेरे वाले जैसे हरियाली है बेटी घर में मेरे माता पिता हरिये जो सामने है मालाई है बेटी। जिस मानव सम्मान के साथ मान और सम्मान के साथ विदाई करते हैं।